गुड इवनिंग दोस्तों, वही पीरियडिकल्स न्यूज़पेपर्स देखना, वहाँ से कोई आर्टिकल मिलना, लेकिन ये सब तो चल रहा था। लेकिन अभी कुछ एक हफ्ते पहले एक ऐसा आर्टिकल मिला जिसको पढ़ के मुझे हंसी ही आ गई कि यार कुछ तो भी लिख देते हैं लोग जो नहीं हो सकता। मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फंडामेंटल में, क्रिएटिव इंटेलिजेंस में, किसी भी केस में ऐसा कोई भी रिसर्च सैंपल रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन कहा गया ये कि आज की रिसर्च ही बताती है। तो वहां पर इस वर्ड को डिसेंसी, जो कि आज का विच आई हैव ऑलरेडी टाइटल्ड एज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे, डिसेंसी दैट इज सेल्फ कंट्रोल ऑलवेज ब्रिंग्स द कॉन्क्रीट पॉजिटिविटी, उसमें यह दिया हुआ था कि सेल्फ कंट्रोल कई बार बहुत सी चीजें नेगेटिव दे देता है। अब आप खुद ही सोचिए, सेल्फ कंट्रोल है आत्मनियंत्रण, हाउ कम सेल्फ कंट्रोल मे ब्रिंग अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स इन वन्स पर्सनैलिटी, दैट इज नॉट ओनली रॉन्ग बट ऑल्सो एब्सर्ड। सो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिर मैंने पॉइंट्स उठाए और उन पॉइंट्स के ऑपोजिट एक काउंटर रिसर्च कहूंगा उसको, काउंटर रिसर्च करने की कोशिश की, सोचा तो पाया कि जो ये इसमें लिखा हुआ है ये वाकई में सच है। जो मेरे दिमाग में आया था वो सच है, वो स्टेटमेंट जो मेरे दिमाग में आया था यार लोग कुछ तो भी लिख देते हैं, वही बात आज लेकर आया हूं। तो इस पूरे टॉपिक में बहुत सिस्टमेटिकली मैंने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टेटमेंट व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, काउंटर पार्ट मींस द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट विच आई हैव रेड देयर ओनली, उसी में मैंने उसका काउंटर पार्ट भी पढ़ा, इसीलिए हंसी आई थी मुझे कि तू एक बात लिख रहा है ये सही, मैं सही हूं, दूसरी बात लिख रहा है कि मैं गलत हूं। भाई क्या है, क्या फैक्ट क्या है, तुम सही हो या तुम गलत हो? सो फर्स्ट कॉलम इज कंपोज ऑफ स्टेटमेंट, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर देयर बट दे आर मोर देन इनफ। सेकेंड पार्ट, सेकेंड कॉलम इज कंपोज ऑफ काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन रिजल्ट ऑफ द काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा, यहां से अब वो पॉजिटिव हो जाता है। देखिएगा, पहला पॉइंट उसमें लिखा था कि डिसेंसी में वीकर, डिसेंसी में वीकन द इमोशनल एक्सपीरियंसेस। पहली बात तो एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, उसमें इमोशंस को एक तरफ रख के ही आदमी ने जो कुछ भी पाया होता है वो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस इज नेवर 100% इमोशनल। ये सब चीजें प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ये कभी इमोशंस पर नहीं चलते, ये जो है वो ही है। सो फर्स्ट पॉइंट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, अमंग द रॉन्ग स्टेटमेंट्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डिसेंसी में वीकन द इमोशनल एक्सपीरियंसेस। इसको ऐसे समझ लें कि सेल्फ कंट्रोल में वीकन द इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस ही नहीं होता, और अगर कुछ है भी वैसा तो एक्सपीरियंस कभी उस एक्सपीरियंस कभी भी उस डिसेंसी से कमजोर हो जाएगा। डिसेंसी या सेल्फ कंट्रोल से जो आदमी खुद आत्मनियंत्रित है उससे उसका अनुभव कमजोर हो जाएगा। सो इस काउंटर पार्ट, डिसेंसी मे वीकन द इमोशनल एक्सपीरियंसेस, द काउंटर पार्ट ऑफ इट दे आर दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड और से दोज हु आर डिसेंट और सेल्फ कंट्रोल्ड आर कैपेबल टू आइडेंटिफाई देयर मिसयूज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, आत्मनियंत्रित है, जो डिसेंट है, उनका मिसयूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एकदम से साइड में हट जाते हैं, साइड में रहते हैं, नो नो ऐसा नहीं हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, स्ट्रिक्ट नो एंड इन एवरी कंडीशन, इन अमंग ऑल सर्कमस्टेंसेस, नो नो एंड नो।
and that's why only this its counterpart is they are capable to identify their misuse. Misuse को identify कर लेते हैं. Cunningness नहीं है, शातिरी नहीं है, ये intellect है, brilliance है उनका, brilliance है. Those who are brilliant will never allow anyone to misuse them. And the result of this counterpart, इस counterpart का result क्या है? They are beyond the greed and attraction for anything. There are people who are not self-controlled and they are found to get attracted spontaneously towards anything and everything. किसी भी चीज की तरफ एकदम से अगर कोई आदमी attract हो जाता है तो आप मान के चलना कि ना तो वो intellectual है, ना ही वो decent है. सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं. सेल्फ कंट्रोल होता तो चुप रहता, देखता, वही एनालाइज करने लगता कि अट्रैक्टिव तो लग रही है पर इसमें प्रॉस तो है लेकिन कॉन्स क्या है, कॉन्स पहले देख लेता है. सो दे आर बियॉन्ड द ग्रीड एंड अट्रैक्शन फॉर एनीथिंग. उनके अंदर कोई लालच भी नहीं है, लालसा भी नहीं है और किसी भी चीज की तरफ एकदम से स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन भी नहीं है. ये पहला रिजल्ट हो गया काउंटर पार्ट का. नीचे आ रहे हैं अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, वो लास्ट में लिखा हुआ. सेकेंड वन, सेकेंड पॉइंट, दे मे फील द लॉन्ग टर्म रिग्रेट व्हेन सिट इन अ लोनली कॉर्नर. जब वो कभी अकेले में बैठते हैं तो अपने जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाया कुछ भी, इसको लेकर उन्हें बहुत रिग्रेट होता है. लॉन्ग टर्म रिग्रेट, जब भी कभी बैठते हैं ये सोचते हैं कि यार काम तो अच्छा कर रहा हूँ लेकिन जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाया. अब उसका काउंटर पार्ट देखिए यहाँ क्या होता है. दे आर ऑलवेज सो एक्टिव, वो हमेशा इतने एक्टिव है दैट दे आर रेयरली फाउंड सिटिंग मच. कहीं भी किसी लोनली कॉर्नर पर का तो सवाल ही नहीं उठता, कहीं भी वो ज्यादा देर बैठे नहीं दिखाई देते. मेरे स्टूडेंट समझ रहे होंगे, उन्होंने मुझे देखा है. मैं तो खुद प्रैक्टिकल इसका एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूं थ्रू आउट माई लाइफ 35 years. सो दे आर ऑलवेज सो एक्टिव, इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं दैट दे आर रेयरली फाउंड सिटिंग मच. कहीं भी ज्यादा देर नहीं बैठे रहते, बहुत ज्यादा नहीं बैठे रहते. आप लोगों में से जो काम कर रहे हैं वो देख रहे हो. इवन इफ यू आर वर्किंग एज WFH वर्क फ्रॉम होम, वहां भी आप बैठ के काम कर रहे हैं, लैपी पर काम कर रहे हैं लेकिन आप बैठे नहीं है. एक्चुअली आप स्टैंडिंग पोजिशन में अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि आप बैठे हैं क्योंकि आप बैठे दिख रहे हैं बट अपेरेंटली ओनली बाय साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यू आर स्टैंडिंग. सो दे आर मे फील द लॉन्ग टर्म रिग्रेट व्हेन सिट इन अ लोनली कॉर्नर. दिस सेकेंड पॉइंट इज क्रॉस्ड बाय इटसेल्फ एज अ काउंटर पार्ट बाय वे ऑफ काउंटर पार्ट. दे आर ऑलवेज सो एक्टिव दैट दे आर रेयरली फाउंड सिटिंग मच, कभी नहीं देखेंगे बैठे हुए. एंड रिजल्ट ऑफ दिस काउंटर पार्ट, इस काउंटर पार्ट का रिजल्ट क्या है? थिंक ओनली अबाउट बेटर, सिर्फ बेटर के बारे में सोचते हैं एंड नेवर अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड, क्या खोया क्या पाया. जब आदमी बैठ के ये सोचता है कि मैंने अब तक क्या खोया क्या पाया तभी उसको रिग्रेट होता है कि मैं एंजॉय नहीं कर पाया. मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, ये सामने है इसीलिए मैं एंजॉय नहीं कर पाया. ऐसी कोई फीलिंग इन लोगों में नहीं होती जो डिसेंट होते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल होते हैं उनमें नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है. दिस इज बियॉन्ड माय कंट्रोल, दिस ऑलवेज बियॉन्ड माय कंट्रोल. व्हाट आई लॉस्ट, व्हाट आई फाउंड, इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू मी बाय अलमाइटी, भगवान ने दिया है, अब मैं क्या करूंगा इसमें. सो गिव इट. सो दे थिंक ओनली दीज डिसेंट और सेल्फ कंट्रोल पर्सन थिंक ओनली अबाउट द बेटर, जो भी है बेटर होना चाहिए, और बेटर होना चाहिए, और बेटर होना चाहिए. सो थिंक ओनली अबाउट द बेटर एंड नेवर अबाउट द लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया के बारे में कभी सोचते ही नहीं है. थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लॉस्ट नहीं लास्ट. मेरी छोटी बहन अक्सर मुझे टोकती रहती है, लॉस्ट बोल देता हूँ. अब मैं काफी दिन से ठीक हो गया हूँ उसकी वजह से. ये लॉस्ट नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. थर्ड वन, दे आर ऑलवेज वर्क वाइज ओवरलोडेड, काम इतना ज्यादा रहता है, क्यों रहता है, आगे आ रहा है, काम इतना ज्यादा रहता है कि वो ओवरलोडेड होते हैं काम से.
एंड नेवर फाउंड एंजॉय, कभी भी किसी भी छोटी सी चीज के लिए भी एंजॉय करते नहीं देखा गया उनको। ये तो और भी गलत है। कैसे है? पीपुल बिलीव देम मच, ये एंजॉय करने वाली चीज तो यहां आ रही है, पीपुल बिलीव देम मच, सबसे ज्यादा तो लोग उन्हीं पर विश्वास करते हैं ड्यू टू देयर सेल्फ कंट्रोल। अब आया है सेल्फ कंट्रोल, यहां पर एट लास्ट अंत में लाया हूं। पीपुल बिलीव देम मच ड्यू टू देयर सेल्फ कंट्रोल, उनके सेल्फ कंट्रोल की वजह से लोग उन पर विश्वास करते हैं। और रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट ऑफ दिस काउंटर पार्ट आउटकम, ऑल कोवर्कर्स डिपेंड ऑन देम, सारे काम करने वाले उन पर बिलीव करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं। द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है? वेरी हाई रिस्पेक्ट, बहुत हाई रिस्पेक्ट एंड जॉय ऑफ वर्क। ये जॉय का चक्कर तो यही खत्म हो गया, क्या जॉय ऑफ वर्क। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।